कोई मरता नहीं है, या कास के नाम कोई कोई व्यक्ति मरता नहीं है, या दंगे नहीं होते हैं। नॉर्दर्न इंडिया की तरह जहां कास्टिज्म भी है, जहां कुछ पार्टियों के द्वारा फैलाया हुआ कम्युनिज्म भी है, दंगे भी होते हैं, फसाद भी होते हैं, कास्ट के नाम पर वार भी होता है, लेकिन दक्षिण में ऐसा नहीं होता। और यही कारण है कि दक्षिण में प्रगति की, दक्षिण में डेवलपमेंट हो। आज से 40 साल पहले दक्षिण कमजोर था, इकोनॉमिकली कमजोर था, आर्थिक तौर पर कमजोर था, शिक्षा में कमजोर था, एजुकेशन में वीक था, नॉर्दर्न इंडिया आगे था। लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में हमारे लोग, हिंदू मुसलमान भाई, बैकवर्ड के नाम पर, फैरवर्ड के नाम पर दलित और हिंदू और मुसलमान के बीच में बढ़ गए। उनका ध्यान हमेशा उसी में रहा और आज नॉर्दर्न इंडिया बैकवर्ड हो गया। आज नॉर्दर्न इंडिया में जितने मेडिकल कॉलेज पूरे दक्षिण में है, इसका 1/4 भी पूरे नॉर्थ इंडिया में नहीं। जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दक्षिण इंडिया में है, साउथर्न इंडिया में है, इसका 1/4 भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पूरे नॉर्दर्न इंडिया में या ईस्टर्न इंडिया में नहीं है। जितने हॉस्पिटल साउथर्न इंडिया दक्षिण में है, इसका 1/4 भी, 1/4 भी नॉर्दर्न इंडिया में नहीं है। जितना इकोनॉमिकली डेवलप साउथर्न इंडिया है, इसका 1/10 भी नॉर्दर्न इंडिया डेवलप नहीं है। उसकी वजह यह है कि साउथर्न इंडिया में लोग आपस में नहीं लड़ते, आपस में भेदभाव नहीं करते। यहां इसीलिए शिक्षा भी हुई, आईटी भी आई, आईटी बेंगलोर में आया, आईटी तमिलनाडु में आया, आईटी हैदराबाद में आया, आईटी केरला में गया, लेकिन आईटी यूपी में क्यों नहीं गया, आईटी बिहार में क्यों नहीं गया, आईटी मध्य प्रदेश में क्यों नहीं गया, आईटी राजस्थान में क्यों नहीं गया, आईटी कश्मीर में क्यों नहीं गया, आईटी पंजाब हरियाणा में क्यों नहीं गया? इसलिए कि यहां का वातावरण, वर्किंग कल्चर, काम करने का वर्क कल्चर जो था, पीस एंड हार्मनी, शांति थी। उस शांति की वजह से देश के लोग भी टेक्नोक्रेट यहां आए, विदेश के भी टेक्नोक्रेट और इन्वेस्टर्स यहां आए और उन्होंने पैसा खर्च किया और आज आप बड़े हैं, मुझे खुशी। लेकिन जो पार्टियां, जो राजनीतिक दल जिसका मैं उल्लेख करता हूं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कौन पार्टियां नफरत फैलाती हैं, मुझसे आप ज्यादा जानते हैं दंगे कौन से दल करता है, मुझसे आप ज्यादा जानते हैं। एक दफा आप दक्षिण में आ जाए, ये बड़ी छूटछाट की बीमारी है। ये अगर कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और आंध्रा और तेलंगाना, ये सब जगह फैल जाएंगे और फिर ये आपका जो आईटी, वाईटी, मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, ये सब भाग जाएंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पर टिप्पणी करते हैं, प्रधानमंत्री जी आपकी पार्टी का तो एक आदमी भी जेल में नहीं गया है हिंदुस्तान भारत को आजाद करने के लिए। एक आदमी गया था जिसको ये नेता मानते हैं, तो अंग्रेजों से माफी मांग के वापस आ गया था, रिटर्न माफी मांग। आपका इतिहास क्या है, आपकी पार्टी का, बीजेपी की पार्टी का हिस्ट्री क्या है, बीजेपी की पार्टी का जियोग्राफिया क्या है, उनका जेल में कौन गया,
उसके किस आदमी को अंग्रेजों ने मारा, वही होता तो जेल में मरता, बाहर मरता, गोली से कोई मरता, वही हिस्ट्री जियोग्राफिया नहीं है। उनका जियोग्राफिया हिस्ट्री है डिवाइड एंड रूल, धर्म के नाम पे लोगों को डिवाइड करो और वोट ले लो और कुर्सी पकड़ जाओ। ये कोई राजनीति है? ये कोई नेता का काम? नेता का काम है जोड़ना, नेता का काम तोड़ना नहीं है। पार्टियों के लीडरों का काम है देश में हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, बैकवर्ड और फॉरवर्ड एक हो जाए, स्टील की तरह एक हो जाए। अगर हिंदू को चोट लगती है तो दर्द मुसलमान को होना चाहिए, अगर चोट मुसलमान और दलित को लगती है तो अपर कास्ट के हिंदू को दर्द होना चाहिए। हम ऐसा भारत और कांग्रेस ने ऐसे भारत के लिए लड़ाई लड़ी और कुर्बानी दी है और ऐसे भारत का निर्माण किया है। हम लड़ाते नहीं हैं राजनीति के लिए, हम धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते हैं, हम सियासत के नाम पर, हम पॉलिसी के नाम पर, हम काम के नाम पर वोट मांगते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आजादी से पहले भी कुर्बानी दी, आजादी के बाद भी कुर्बानी दी। आजादी के बाद भी सबसे पहले इस देश के हिंदू और मुसलमान एकता के लिए, जब 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, अफसोस है दुर्भाग्य से भारत में हिंदू और मुसलमान दंगे हुए, लेकिन महात्मा गांधी ने, वो दिल्ली में नहीं बैठे, वो हिंदुस्तान भर में गए और हिंदू और मुसलमान दंगों को खत्म करने का प्रयास किया। कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आया, वो आदमी जिसने नथुराम गोडसे है वो किस पार्टी का है वो भी आपको मालूम है, मालूम है सबको कि नहीं? सबको मालूम है ना, उसने गांधी का कत्ल कर दिया। तो आजादी के बाद भी सबसे पहले भारत की एकता के लिए, हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए जो पहली कुर्बानी हुई, राष्ट्रपिता, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष महात्मा गांधी का अपने जीवन का बलिदान किया। उसके बाद दूसरा बलिदान, जब देश टूट रहा था, हमारे ही बीच में हमारे भाई कुछ एक तबका के परेशान, कुछ लोगों ने बंदूक उठाई, तो तब इस देश की एकता के लिए, इस देश की अखंडता के लिए इंदिरा गांधी ने जो कदम उठाया, उस कदम से उसकी जान दे दी। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एक बार फिर दूसरी दफा महात्मा गांधी के बाद इंदिरा गांधी ने अपने देश के लिए जान दे। इसी दफा तीसरी दफा जब दक्षिण में कुछ आतंकवादी जो श्रीलंका के जरिए श्रीलंका को और हमारे दक्षिण को कमजोर करना चाहते थे, जब राजीव गांधी ने श्रीलंका में अपनी फौज भेज दी उनको बचाने के लिए और उन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए, उनको मुकाबला, अच्छा मैं सुना।